दोस्तों आज पूर्णिया यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जिसका जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो लोग सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। और सब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आप लोग को किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है। आप लोग को लिखना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी। पूर्णिया यूनिवर्सिटी लिखने के बाद यहाँ पर साइड में 3 लाइन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद एडमिशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोग नंबर रजिस्टर किए थे उसी नंबर को यहाँ डाल देना है। डालने के बाद आप लोग को यहाँ पासवर्ड को पूरा स्मॉल लेटर में पासवर्ड ही डालना है और आप लोग को यहाँ चेंज नहीं करना है। अगर काम नहीं करता है आप लोग फॉरगेट कर सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आप लोग को यहाँ पर कैप्चा को भर देना है। कैप्चा को भरने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोग का डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा एक अप्लाई का ऑप्शन। तो आप लोग को अप्लाई नहीं करना है, आप लोग को चले आना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पास एक सब्जेक्ट चेंज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद थोड़ा सा और नीचे आना है, और भी आना है थोड़ा। यहाँ पर क्लिक करना है प्रोसीड टू चूज प्रेफरेंस। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग का यहाँ पर आप लोग को सब्जेक्ट को चेंज करना है। जो पहले आप लोग दिए उसको डिलीट करके आप लोग चेंज कर सकते हैं। सारा कुछ करने के बाद आप लोग यहाँ से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग का सब कुछ वहाँ पर अपलोड किया हुआ रहेगा। सिर्फ आप लोग को प्रोसीड करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आप लोग का सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।